सो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूँ पेटीएम के बारे में। पेटीएम अकाउंट के अगर आप पेटीएम अकाउंट में आपका पैसा है, अगर वो पैसा आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करोगे अपना पेटीएम बैलेंस बैंक में ट्रांसफ़र, तो फुल प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है वासुदेव भट्टी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अपना प्ले स्टोर सॉरी आपका पेटीएम अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो जैसे ही ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर साइड में देख रहा है पे का ऑप्शन, उसके बाद जो है यूपीआई मनी ट्रांसफ़र, पासबुक, एक्सेमन। तो यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन जो है यूपीआई मनी ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा इंटर नेम, मोबाइल नंबर, अगर आप कोई भी पेटीएम अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर चाहते तो कर सकते हैं, या पर नहीं तो इंटर बैंक नीचे की तरफ और इंटर बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट भी यहाँ पर कर सकती है। तो नीचे इस बटन पर क्लिक करना होगा, तो जैसे ही क्लिक कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ आपको यहाँ पर फॉर्म दिया जाएगा, तो इंटर बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट में आपका पैसा भेजना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर दे सकती है, या पर नहीं तो यूपीआई आईडी से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है आईएफएससी कोड आपका देना होगा, उसके बाद जो है अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर आपको दे देना होगा। तो ये सारे का सारे प्रोसेस मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड दे देना होगा, हर अकाउंट का एक आईएफएससी कोड होता है, तो आपका पासबुक में वो आईएफएससी कोड यहाँ पर दे देना होगा। तो मैं यहाँ पर मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक में से जो है मनी ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप कोई भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो है आईएफएससी कोड यहाँ पर मैं दे दूँगा, ठीक है। तो देने के बाद यहाँ पर नीचे जो है अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर आपको दे देना होगा। तो मैं जो यहाँ पर दे देता हूँ, तो देने के बाद डन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक प्रोसीड का बटन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा जो है प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है री इंटर बैंक अकाउंट नंबर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो नंबर उसमें चेक आपको चेक करना होगा सब कुछ ठीक होने ठीक है कि नहीं, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म करना होगा आपका बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट वहाँ पर दिया है सेम अकाउंट यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो जैसे ही अपना यहाँ पर हो जाएगा, तो डन पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको कॉन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर कॉन्फर्म में क्लिक करना होगा। तो कॉन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अमाउंट देना होगा, कितने अमाउंट आपको जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 10 रुपये यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करके मैं दिखाऊंगा, सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद यहाँ पर डन करने के बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, नीचे की तरफ प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना पेटीएम का जो पासकोड है, तो यहाँ पर आपको इंटर कर देना होगा। तो जैसे ही इंटर करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है। तो मेरा जो है पैसा जो है मेरा एयरटेल पेमेंट्स बैंक में चला गया है। तो आप कोई भी बैंक अकाउंट में जो है पैसा भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाने के लिए मेरा जो है पेमेंट्स बैंक में ट्रांसफ़र किया है। तो सेम प्रोसेस है, इसी तरह से आपको जो है मनी ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ सॉरी एक चीज़ कहने वाला हूँ। तो ये मनी ट्रांसफ़र उस समय करना जिस समय आपका जो है नेटवर्क अच्छा हो। अगर आपका नेटवर्क बहुत स्लो है तो आपको जो है कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर पेमेंट रुक जाए या फिर अटक जाए तो चिंता का कोई आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि जो है अगर कोई भी पैसा अटक जाती है तो जो है 72 आवर्स के अंदर जो है अपना पैसा रिफंड कर दिया जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो है अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकती है पेटीएम की तरफ से। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो मैं तो आप लोगों को दिखा दिया हूँ,
तो पेटीएम की तरफ से कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकती है, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।